नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। बिहार के वैशाली में एक बेहद दुखद पूर्ण घटना घटित हुई, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने करीब 30 लोगों को कुचल दिया। इस पूरी घटना में कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे। इस पूरी घटना को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना भी व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुआवजे का भी ऐलान किया था। इस पूरी घटना की जांच पड़ताल की जा रही है और अब ये बात सामने आई है कि ट्रक ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और शराब के सेवन की वजह से वो पूरी तरीके से नशे में धुत था, जिस वजह से ट्रक अनियंत्रित हो गई और इस अनियंत्रित ट्रक ने कितने लोगों को कुचल दिया। ये घटना रविवार देर रात की है। करीब रात के 9 बजे अचानक से सड़क से एक ट्रक नीचे उतर गई और लोगों को कुचलते चली गई, जिसके बाद कई लोग ट्रक के नीचे दबकर फंस गए, कई लोगों की मौत हो गई। खुद ट्रक ड्राइवर की पिटाई आक्रोशित ग्रामीणों ने की थी, जिसके बाद जब मुख्यमंत्री को जांच पड़ताल की रिपोर्ट सौंपी गई, उन्हें यह पता चला कि शराब के सेवन की वजह से इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, तब वो बेहद गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने शराब के सेवन को लेकर जो है वो कई बड़ी बातें कही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बिहार में साल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, जिसे सफल बनाने की कवायद में लगातार प्रशासन और सरकार जुटी हुई है। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या चूक ना हो, इस कानून में इसका खास ख्याल रखा जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कई तरह के आदेश जारी किए जाते हैं, योजनाएं लाई जाती है ताकि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी सफल हो सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इतनी बड़ी घटना का कारण जब शराब का सेवन सामने आया है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल बिहार के वैशाली में सड़क किनारे पूजा कर रहे लोगों पर ट्रक चढ़ाने वाले ड्राइवर ने 40 रुपए ग्लास देशी शराब पी रखी थी। यह खुलासा उसने खुद किया। ट्रक चालक लालू कुमार के अनुसार उसने जदुआ में 40 रुपए प्रति गिलास के हिसाब से देसी शराब पी थी। उसने बताया कि वो हाजीपुर से ट्रक लेकर महनार की तरफ लेकर जा रहा था। इससे पहले उसने जदुआ में कुछ ट्रक चालकों के साथ देसी शराब पी, जिसे लाइन होटल से प्रति गिलास 40 रुपए में खरीदा था। दूसरे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में यह हादसा हो गया। मालूम हो कि बिहार में शराबबंदी लागू है। वहीं ड्राइवर की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में मेडिकल ऑफिसर ने साफ साफ लिखा है कि ट्रक ड्राइवर नशे में था, इतने नशे में था कि अपने पैरों पर चल नहीं पा रहा था। वैशाली सदर अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनीष कुमार रोशन ने बताया है कि ड्राइवर के ब्लड, यूरिन और ब्रेथ की जाँच की गई। इन तीनों में शराब पीने की पुष्टि हो गई है। ड्राइवर ने नशे में ही इस बड़े हादसा को अंजाम दिया है। हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मरने वालों में 6 बच्चे थे, वहीं 30 लोग जख्मी हो गए। लोगों ने बताया कि अगर पेड़ नहीं होता तो 50 से अधिक जाने चली जाती। इस घटना के चश्मदीद अनुज कुमार राय बताते हैं कि पूजा लगभग पूरी हो चुकी थी, सब अपने अपने घर लौटने वाले थे कि तभी हाजीपुर से महनार की तरफ जा रहा ट्रक लोगों को कुचलता चला गया और अचानक से जाकर पेड़ में टकरा गया। वैशाली में सड़क किनारे ग्रामीण भुइया बाबा की पूजा कर रहे थे और ये पूजा लगभग समाप्त ही हो रही थी कि अचानक से एक ट्रक अनियंत्रित होकर उनकी तरफ आगे बढ़ा और कई लोगों को कुचलता चला गया, जिसमें 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। उनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50,000 रुपये मुआवजे देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ पीड़ित परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, जिनके परिवार वालों ने अपनों को खोया है इस पूरे हादसे में। मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है और डॉक्टर के मुताबिक ये स्पष्ट हो गया है कि ट्रक ड्राइवर ने शराब का सेवन कर रखा था। शराब भारी मात्रा में उसने पी रखी थी, जिस वजह से वो पूरी तरीके से अनियंत्रित था और अनियंत्रित होकर उसने इस इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।